For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. एसिड अगर बिकता नहीं तो फिकता नहीं. जी हाँ, इसी मोटो के साथ छपाक की टीम ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है इस कॉज की तरफ. और कहीं ना कहीं ये जो एक फीलिंग है, चाहे रेप केसेस हो, चाहे एसिड अटैक्स हो, चाहे मोलेस्टेशन हो, ईव टीजिंग हो, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा घिनौनी और घटिया होती हैं जब आप किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ करते हो, या किसी लड़के के साथ फॉर दैट मैटर, बिकॉज लड़कों के रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां उन्हें मोलेस्ट किया जाता है. किसी भी इंसान के साथ ये चीज़ होना बहुत ही गलत है. और ये चीज़ें आज हम देखने वाले हैं बिग बॉस के घर में, जहां अभी तक हम एक आम आदमी की बात ज़रूर सुनते थे, अब सेलिब्रिटीज़ अपने ओपिनियन, अपने इंसिडेंट्स रादर शेयर कर रहे हैं. जी हाँ, ये बात सच है, क्योंकि बिग बॉस के वीकेंड कवार पर घर के अंदर आई है छपाक की टीम, यानी कि लक्ष्मी अग्रवाल सबसे पहले घर के अंदर एंटर होती हैं, जहाँ वो अपना स्ट्रगल, अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी जो है, जो हजारों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रही है और कर चुकी है, वो शेयर करती हैं बिग बॉस के घर के कंटेस्टेंट्स के साथ. और वहाँ उनसे कहा जाता है टू शेयर, वहाँ उनसे कहा जाता है कि वो भी शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस. ऐसे में विशाल, आरती, मधुरिमा, रश्मि, ये सारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं, ये सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं घर वालों के साथ और देश के साथ, रादर ऑन टेलीविजन. जब आप ये बातें शेयर करते हो, कि आरती भी कहती है मेरे साथ भी बचपन में मुझे घर के अंदर बंद करके यू नो मोलेस्ट किया गया है, या रश्मि भी शेयर करती हैं कि लड़की पैदा होना भी आप यू नो आपको कमेंट सुनना पड़ता है, ओ घर में लड़की पैदा हुई है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है सुनने सुनाने में सारे घर वालों ने शेयर की. वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट हो गया घर के अंदर, जब क्योंकि सभी की आंखें भराई, चाहे पारस, सिद्धार्थ शुक्ला, मायरा, शहनाज, हर कोई रो बैठा. और क्योंकि आपको बहुत तकलीफ होती है, आप महसूस करती हो उन चीज़ों को. ये चीज़ें देखने के लिए, इनकी जर्नी, इनकी कहानियाँ, इनकी स्ट्रगल लाइफ में सुनने के लिए मैं बहुत ही बेसब्री से आज के एपिसोड का इंतजार कर रही हूँ, बिकॉज मैं भी जानना चाहूँगी और हर इंसान जानना चाहेगा और जानना बनता भी है, क्योंकि एक कहानी अगर कही जाती है तो दूसरे में भी हिम्मत आती है कि हम भी अपनी कहानी कहें और शायद इन्हीं चीज़ों से देश में सुधार आए. सो इस तरीके से आज कुछ बिग बॉस का एपिसोड फुल ऑन इमोशनल क्वोशेंट होने वाला है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए. और साथ ही साथ छपाक देखी या नहीं देखी, नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए. दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ.